इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आप सांसद संजय सिंह ने आज मेरठ में कहा कि यूपी में जंगल राज नहीं बल्कि दरिंदों का राज कायम है। अपराध व भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चला है। कोरोना की आड़ में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ, 800 गुना कमीशन खाया गया। आपदा में यूपी सरकार ने अवसर तलाशने का काम किया है। आज संजय सिंह मेरठ में बड़ी संख्या में लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात की और सवालों के खुलकर जवाब देते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आइए देखते हैं क्या कहा सांसद संजय सिंह ने। यहाँ आने का मकसद बहुत सारे नए साथियों को पार्टी में ज्वाइन कराने का है। आज बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं। हम लोग अलग अलग जनपदों में जाके ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके पहले मैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होकर आ चुका हूँ। आज उसी क्रम में मेरठ आया हूँ। आप लोगों से आदित्यनाथ सरकार के हालात के बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार ने आज उत्तर प्रदेश को उस हालत में पहुंचा दिया है जिसको शायद जंगल राज कहना भी कम होगा। हाथरस का कांड हुआ और हाथरस के कांड में गुड़िया को न्याय दिलाने के बजाय आदित्यनाथ जी की पूरी सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई नजर आई। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, कल मैंने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के 4 पन्ने दिखाए मीडिया के लोगों को। वो कागज यहां भी मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि हाथरस में अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत दंगा कराया जा रहा है, और जो एफिडेविट का पेपर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में जो शपथ पत्र दाखिल करते हैं उसमें वेबसाइट का जो कागज लगाते हैं वो लिखते हैं कि NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट आपका वीडियो बनाएगा, आप लोग सचेत रहें और सावधान रहें। अब हाथरस में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कहां आंदोलन का वीडियो बनाने आ गया? ये किस वेबसाइट की बात कर रहे हैं जब अमेरिका में लॉकडाउन के दौरान अश्वेत लोगों का आंदोलन चल रहा था, उस वेबसाइट का जिक्र करते हुए कह रहे हैं हाथरस में दंगे की साजिश थी। इसका मतलब बलात्कारियों को बचाने के लिए आदित्यनाथ जी इतने घटिया स्तर तक जा सकते हैं और उनकी पार्टी इतनी घटिया स्तर तक जा सकती है कि वो दंगे की झूठी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। 19 लोगों पे फर्जी सेडिशन के चार्ज लगा दिए जिसमें मीडिया वालों को भी उन्होंने शामिल किया कि देशद्रोह का मुकदमा उन पे लिख दिया, और सारा कुछ झूठ, सारा कुछ फर्जी। इसके बाद भी सिलसिला रुकता नहीं। आज उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए न्याय नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए न्याय नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए न्याय नहीं है, ब्राह्मणों के लिए न्याय नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह हो गई है, जंगल राज भी कहना कम होगा, दरिंदों का राज यहां पे चल रहा है। चित्रकूट के अंदर एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी FIR दर्ज नहीं होती, वो आत्महत्या कर लेती है। प्रतापगढ़ के अंदर 6 महीने तक एक बच्ची को परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता, आत्महत्या कर लेती है। गोरखपुर में आदित्यनाथ के गृह जनपद में एक लड़की को 4 लड़के पीट पीट के मारते हैं, जब पुलिस उसकी नहीं सुनती तो वो आत्महत्या कर लेती है। पडरौना में एक हाई स्कूल की बच्ची, उसको लगातार तंग किया जाता है, न्याय नहीं मिलता तो आत्महत्या कर लेती है। बाराबंकी का जो कांड है वो हाथरस से ज़्यादा भयावह है। दरिंदगी की गई, हैवानियत कर किया गया, शरीर को छत विछत कर दिया गया और हत्या कर दी गई, वो भी एक दलित परिवार की बेटी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। कब्रगाह जहां पर बेटियां आत्महत्या करना पसंद कर रही हैं, मौत को गले लगाना पसंद कर रही हैं, लेकिन उनको न्याय की उम्मीद नहीं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।